हेलो दोस्तों, आशीष साउथ टू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन आए हैं तंदला जलाशय जो रायपुर से करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। तो अपन अब दिखाते हैं जय तांदलेश्वर महादेव का मंदिर। तो वीडियो आप देखते रहिए। ये है तांदलेश्वर महादेव और ये ऊपर में है तांदुला जलाशय। और आगे चल को आपको दिखाते हैं यहाँ का किनार, इसे आप गेट भी बोल सकते हो। और यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है, ये देखो। और ये ग्राम पंचायत सिवनी लिखाया हुआ है। और यहाँ का पूरा दृश्य देख सकते हो। और ऊपर में है तांदला जलाशय। तो यहाँ का एक वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे ऊपर। वीडियो देखते रहिए दोस्तों। खतरनाक है पानी। अब चलते हैं ऊपर की ओर। हाँ, चलते हैं अपन ऊपर। अरे दोस्तों, धमतरी से करीब 40 से 50 किलोमीटर और रायपुर से 100 किलोमीटर के आसपास तांदला डैम। और बहुत ही लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर है गेट। और ये लंबा दृश्य देखिए सीधा। और इधर चल रहा है किनार जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। और इधर देख सकते, इधर बसाहट है, शहर का बसाहट आपको सीधा दिख रहा होगा। और देख सकते हो, तो वीडियो में बन जाइए दोस्तों। ये है गेट, आपको पास जाकर दिखा नहीं सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो यहीं से आप देख लीजिए। और यहाँ से पानी चल रहा है। अपन चलते हैं रिवर्स। देख सकते हो दोस्तों, ये है तांदला जलाशय। और अभी इसमें बहुत कम है पानी और बहुत ही लंबा है। और इधर देखिए, ये है, ये बालोद जिला प्रशासन का पूरा कलेक्टेड और बहुत सारा अधिकारियों का ऑफिस है इधर। और अपन उधर देखिए, वहाँ पास थे अपन। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना। और बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। और वीडियो प्लीज़ दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। आप देखिए इधर, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। और एक बार पूरा चारों तरफ घुमा कर और दिखा देता हूँ। ये देख ली दोस्तों, तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अपन नीचे और यहाँ का वीडियो देखना। और दोस्तों, अगर वीडियो में नया तो सब्सक्राइब कर देना, और ताकि हमें नए नए वीडियो आ सके। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो।